अलमदिल्ल अल्मदिल्ल रबालमीन वसलात वसला महमदमी उज़बिल्लमिनज़ीम बसमीम ख़वा तीनों हजरात ये सूर्य नसा की आयत एक सौ इकत्तीस है जिससे हम दर्श की पदा कर रहे हैं इससे पीछे एक इस्फ़ता का जवाब था मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि सूर्य तो अपने मज़मून के लिहाज से आयत एक सौ छब्बीस पर ख़त्म हो गई इसके बाद अब चार सवाल हैं जिनका जवाब दिया गया है उसमें एक सवाल कुछ कमज़ोर किस्म के मुसलमानों ने औरतों के बारे में किया जिनसे वो निकाह करना चाहते थे लेकिन उनके हकूक़ अदा करने के लिए तैयार नहीं थे यतीमों के बारे में किया मियाँ बीवी अगर रिश्ता इस दवाज में मुनसलिक हो गए हैं और उसके बाद कोई मसला पैदा होता है तो उसकी क्या नौीयत होगी उसमें अल्लाह तला ने कुछ नसए फरमाई अब ये फरमाया है कि ये खुदा के अहकाम है नहीं मानोगे तो अपना ही बुरा करोगे इसलिए कि वल्ला ही माफ़ी समात व माफिल लर्त ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है मलकद बदसैीन लज़ीन नबूतल किताब मिन कबलिकम व अन तकुल्ल तुम से पहले जिन लोगों को किताब दी गई उन्हें भी हमने यही हिदायत की थी और तुम्हें भी यही हिदायत कर रहे हैं कि अल्लाह से डरते रहो यानी असल चीज़ ये है कि अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल सही तरीके से सही नीयत के साथ उसी वक्त होगा जबकि आदमी के अंदर अल्लाह के हजूर में पेशी का एहसास होगा तो इसलिए इशाद फरमाया कि ये खुदा के अहकाम है अगर तुम इनको नहीं मानते तो इसमें अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे अपना ही बुरा करोगे ज़मीन व आसमान की सारी बादशाह अल्लाह की है अल्लाह ताली ने पहलों को किताब दी उसमें भी यही नसीहत की तुम्हें भी यही नसीहत की गई है कि अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह परवरदिगार आलम के हजूर में तुम में से एक एक को लाजमन पेश होना है वाइन तकफ्रू फ़ैन ला माफ सबात ममाफिलकान अल्लाह ग ईन हमीदा और याद रखो कि नहीं मानोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे इसलिए कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का और अल्लाह बे न्याज़ है सतूदा सिफ़ात है यानि खुदा तुम्हारे लिए किसी चीज़ को पसंद करता है तो इसलिए नहीं कि उसको इसकी ज़रूरत है या एहतियाज है बल्कि इसलिए कि वो हमीद है और उसकी ये सिफत तकाजा करती है कि बे न्याज होने के बावजूद तमाम मखलूक को अपने जूदो क्रम और, और अपनी इनायतों से नवाजता रहे अल्लाह ने इसलिए तुम्हें यह काम दिए हैं तुम्हारी भलाई के लिए दिए हैं अगर तुम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते तो अल्लाह की बादशाही में कोई कमी नहीं वाकई हो जाती ज़मीन व आसमान में उसकी बादशाही कायम है ये तुमने अपने लिए और अपने खैर के लिए और अपनी भलाई के लिए मानना था अगर नहीं मानते हो तो ये बात याद रखो कि अल्लाह बे न्याज है सतूदा सिफ़ात है एक मरतबा फिर सुन लो कि वाह ही माफ सम व माफिल लर्द ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है वक़ा बिल्ला वकीला और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है यानी मतलब क्या हुआ मतलब ये कि इसलिए वही इसका हकदार है कि ज़िंदगी के मामला तो उसके हवाले किए जाएँ और ये बात याद रखो कि अगर नाफ़रमानी पर इसरार करते हो तो इन याह युज्ब को मै्यून्नास वो अगर चाहे तो तुम सबको फना कर दे और तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए व या तो बे आखरीन व कान अल्लाह ज़ाल का कदीरा अल्लाह इस चीज़ पर पूरी कुदरत रखता यानी मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें ख़बरदार कर दिया है अपना हुक्म सुना दिया है अपनी हिदायत दे दी है अब अगर तुम नाफ़रमानी कर रहे हो तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि तुम सबको फना करें तुम्हारी जगह दूसरी अवाम लें अपनी ज़िंदगी चाहते हो अपनी हिदायत चाहते हो अपनी आफियत चाहते हो तो अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी करो और इर्शाद फरमाया कि मन काना सवाबत दुनिया। तुम में से जो लोग अपने मफादात की खातर अल्लाह की शरीयत से फ़रार इख्तियार करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया का सिला चाहता है तो दुनिया का सिला भी अल्लाह के पास है इस जुमले में मुकाबिल के टुकड़े हसफ़ कर दिए हैं पूरी बात को खोल दें तो वो ये होगी कि मन काना युरीद सवाबत दुनिया सवाबत दुनिया व बन काना युरीद ववालल आखिर फ़ांदल्ला बत दुनिया वाल आखिर तो ये पूरा जुमला ये है अरबी ज़ुबान के कायदे के मुताबिक इसके कुछ हिस्से हसफ़ कर दिए हैं उनको खोल दें तो मतलब ये बनेगा कि जो दुनिया का सिला चाहता है तो दुनिया का सिला भी अल्लाह के पास है और जो दुनिया और आखिरत दोनों का सिला चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का सिला भी है और आखिरत का सिला भी और फरमाया बान अल्लायम बसीरा और अल्लाह बसीर है यानी गोया तवज्जो ये दिला दी कि ये फैसला तुमने करना है कि दुनिया के अंदर जो कुछ तुम्हें मयसर है इसी को अपना हदफ़ बनाकर ज़िंदगी बसर कर दे तो अल्लाह यहाँ भी हिसाब चुका देगा ये सुनत अला दूसरी जगह कुरान मजीद ने बयान कर दी है कि अगर आदमी दिल की गहराइयों से इसी मुकाम पर खड़ा है कि मेरी नेकी मेरा ख़ैर मेरे कारनामे इनका सिला दुनिया में मिल जाए तो हम हिसाब यहाँ चुका देंगे लेकिन फिर क़्यामत में आके हमसे को मुतालबा करें और अगर वो दुनिया और आखिरत दोनों का सिला चाहता है और यही एक बंदा है मोमिन को चाहना चाहिए तो दुनिया भी देंगे जितनी देनी मकसूद है आखिरत भी देंगे तो अल्लाह ताला ने ये बात है जिसकी तरफ यहाँ भी तवज्जो दिलाई कि ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई एहतियाज नहीं है उसकी कोई ज़रूरत तुमसे मुतलक नहीं है ज़मीन व आसमान की बात से ही उसके पास है बार बार सुन लो कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है भरोसे के लिए वही काफ़ी है वही इसका हकदार है कि ज़िंदगी के मामला तो उसके सपुर्द कर दिए जाएँ नाफरमानी करोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे वो चाहे तो तुम सबको फना करे तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए और ये बात याद रखो कि अपने मफादात की खातर अल्लाह की शरीयत से फ़रार इख्तियार करते हो तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो दुनिया का सिला चाहता है अल्लाह दे देगा लेकिन होना ये चाहिए कि दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई मांगो और ये मांगोगे तो अल्लाह दुनिया में भी कमी नहीं करेगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा और ये बात याद रखो कि अल्लाह से बसीर है ये पहले सवाल का जवाब है जो यहाँ ख़त्म हो गया है इसमें जो ये आखिर में तंबी की है ये असल में ये बता रही है कि वो लोग कमज़ोर लोग थे ईमान के इस्लाम के तकाजे जिस तरह आगे बढ़कर पूरे करने चाहिए यानी अल्लाह को ये चीज़ पसंद थी कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम मर भी देते हैं हम इंसाफ़ भी करेंगे हम ये सारे मामला इसी तरह हल कर लेंगे उनके अंदर हिरस ना होती वो अपने जुनेबी मफादात के लिए शरीयत से फ़रार इख्तियार ना करते ये उनके लिए बेहतर होता तो इसलिए तंबी कर दी है कि तुम्हें जो हिदायत दी गई हैं अगर तुम गोश हक नोश से सुनो तो तुम्हारे ही फ़ायदे की हिदायत है तो इस पर पहले सवाल का जवाब खत्म किया दूसरे को ले लिया याईी आमनू कूनू कवा मीन बिल्कस्त शहदा ईमान वालो इंसाफ़ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए यतीमों की माओं से निकाह के बारे में पहला इस्तिफ़ता था अब यहाँ से आगे आयत तो एक सौ बावन तक उन लोगों के सवाल का जवाब है जो दोस्ती ताल्लुकात और और पैबंद को हक़ के मुकाबले में तरजीह देते हैं यानी वो मौका आ गया है कि जब ईमान के तकाज़े और दोस्ती और ताल्लक़ और रिश्तों के तकाज़े मुतदम हो रहे हैं और ये लोग तरजीह दे रहे हैं अपनी दोस्ती को अपने ताल्लक़ को अपनी रिश्तेदारी को और मुनकरन के हाँ यानी जिन्होंने खुदा खुदा के रसूल को मानने से इनकार कर दिया है अपने मुकाम मरतबे और अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए बार बार पूछते हैं कि बीच की रात तलाश करने में आखिर क्या रहे यानी जब यह कहा जाता है कि भाई अब हक वाजे हो गए हैं ये मुनकरन हैं इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है ये मोमिनीन है अब तुम अपनी दोस्तियों और रिश्तों का भी फैसला कर लो ये एक मौका आ गया था ये वो आयात हैं जिनके बारे में आमतौर पर यह गलत फहमी फैलाई जाती है क्यों यहूद और नसारा और मश्रिकीन के साथ हमेशा के लिए तल्लु ख़त्म कर देने की हिदायत की गई है एक ख़ास मौके पर ये हिदायत की गई जब उनकी दुश्मनी बाजें हो गई इस मौके पर मुनाफिक ने बीच की राह तलाश करने की कोशिश की यानी उनका मतलब ये था कि ये क्यों ज़रूरी है कि पहले किताब के मुनकरीन को भी उन्हीं काफरों के सब में खड़ा किया जाए जिन्हें कुरान अजाब इलाही का मुस्तक करार दे रहा है ये कहते हैं कि ये तो पहले किताब है उनका ख्याल था कि पहले किताब तो बहुत कुछ मानते हैं खुदा को मानते हैं रसूलों को मानते हैं किताबों को मानते हैं तो इनको उसी सब में क्यों खड़ा कर दिया जाए लेकिन कुर मजीद रिसालत में आपली का इनकार कर देने के बाद जानते बूझते इनकार कर देने के बाद अब ये कह रहा था कि इनका अंजाम और उनका अंजाम एक ही होगा तो इस पर इन्हें तरद था वो ये चाहते थे कि इसकी रियायत से कि ये तो बहुत सी चीज़ों को मानते हैं इनके साथ भी रियायत होनी चाहिए चुनाच तो इस सूरह में जब बार बार ताल्लक़ात तोड़ने के लिए कहा गया तो बहुत से सवाल उनके जहनों में पैदा हुए कुरान ने इसके जवाब में पूरी वजाहत के साथ बता दिया है कि नहीं अब इसका कोई इम्कान नहीं है इसलिए कि कुफ़र सिर्फ़ ये नहीं है कि कोई शख्स सरी अल्फाज में अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार कर दे कुफ़र और सरी कुफ़र यह भी है कि अल्लाह और उसके रसूलों को अल्लाह के शराइ पर नहीं बल्कि अपने शराइ पर मानने के लिए इसार किया जाए चनाचे खुदा का फैसला सुनना चाहते हो तो सुन लो कि तुम्हें हर हाल में हक़ कहना है हक़ की गवाही देनी है पूरे दीन को बे कम जिस तरह के वह कबूल करना है इसके सिवा हर रवैया मुनाफ्त का रवैया और मुनाफत और कुफ़र में अल्लाह के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं ये जवाब है जो असल में दिया है, तो इसकी तमीद यहाँ से उठाई है कि ईमान वालों इंसाफ़ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए अगरचे ये गवाही ख़ुद तुम्हारी ज़ात तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे कराबतमंदों के ख़िलाफ़ ही पढ़े याई अल्लाजीना अमन कब्बा मीन बिलकस्त शहद्ला ईमान बालो इंसाफ़ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए व वलऊअलाफम अबिल बालदेन बल अक्रबीन इं ये कन गियन वकी़ीरा फ़ल्ला औला बहमा फ़ला तब उलवा दिलू वन तलबू अ तोरेजूफ़ इन अल्लाह कान बिमा तामलून नबीरा फरमाया कि यह गवाही ख़ुद तुम्हारी ज़ात तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे करावत मंदों के खिलाफ ही क्यों ना पड़े अमीर हो या गरीब अल्लाह ही दोनों के लिए ज़्यादा हकदार है इसलिए खुदा की हिदायत को छोड़ कर ख्वाहिशों की पैरवी न करो कि इसके नतीजे में हक से हट जाओ और याद रखो कि अगर हक को इंसाफ की बात को बिगाड़ने या उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस से खूब बाया बता दिया कि ईमान का तकाजा ये है कि आदमी कायम बिलकस्त होकर रहे दोस्ती ताल रिश्तों पैबंद ये बड़ी अहमियत रखते हैं लेकिन हक़ के मुकाबले में इनकी कोई अहमियत नहीं तो तुमसे इस वक्त जो मुतालबा किया जा रहा है वो सच्चाई की गवाही देने का है अब अगर सच्चाई की जद तुम्हारी अपनी जात पर पड़ती है तब भी ये गवाही देनी है वालदेन पर पड़ती है तब भी देनी है अयज़ा अक्रबा पर पड़ती है तब भी देनी है इसमें अमीर और गरीब का फ़र्क भी नहीं किया जा सकता इसलिए कि इन सबसे बढ़ अल्लाह हकदार है कि उसकी खशियत हो उसका तकवा हो तो अगर ख्वाहिशों की पैरवी करोगे और हक़ से हट जाओगे और हक को इंसाफ़ की बात को अपने रिश्ता और पैबंद की रियायत से बिगाड़ने की कोशिश करोगे या जो ज़िम्मेदारी आ रही है हक़ की गवाही देने की उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो ये बात याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बागे यानी बहुत अच्छी तरह ये बता दिया कि कायम बिलकस्त होना इंसाफ़ की गवाही देना इंसाफ़ पर कायम रहना सच्ची बात हर हाल में कहना खाऊ की ज़द किसी पर भी पड़ रही हो ये ईमान के तकाजों में से और जब इसकी नौबत आ जाए तो फिर आदमी को इससे गुरेज नहीं करना चाहिए गोया जो लोग ये कह रहे थे कि कुछ मामला ऐसा इख्तियार कर लिया जाए कि बीच की बात निकल आए दो बातें अगर इधर ठीक कह दी जाए और दो उधर ठीक कह दी जाए तो कुछ अमनो अमान कायम रहेगा साफ साफ ये बता दिया कि नहीं जब सच्चाई की गवाही देने का मौका हो तो फिर आदमी को सच्चाई की गवाही देनी चाहिए और सच्चाई की गवाही देते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी ज़द किसके ऊपर पड़ रही है और कौन है कि जिसको उसके नतीजे में कोई नुकसान होगा कौन है जिसको फ़ायदा होगा ये फ़ायदे और नुकसान से बाला तर होकर अल्लाह के लिए गवाही दी जाती है चनाची तो इसमें देखिए जो अल्फाज इख्तियार किए हैं वो ये हैं कि इंसाफ पर कायम रहो कनू कब्बा मीना बिलकस्त शोहदा ला अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए यानी अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी गवाही की डाली है सच्चाई की गवाही की जब वो गवाही आदमी देता है तो गोया खुदा के लिए गवाही देता है तो ये वो चीज़ है कि जिसके मामले में अल्लाह ताला बार बार मतलब करते हैं कि ईमान का यही तकाजा है ईमान के जो तीन तकाजे हालात के लिहाज से पैदा होते हैं यानी दो तो वो हैं जो हर वक्त है कि आदमी ने ईमान कबूल किया है तो उसे अच्छा अमल करना चाहिए उसे अपने गिरदो पेश के माहौल में लोगों को सच्चाई की नसीहत करते रहना चाहिए ये तो वो चीज़ है कि जो ईमान कबूल करने के बाद हर वक्त मतलूब है लेकिन कुछ तकाज़े वो हैं कि जो हालात के लिहाज से पैदा होते हैं वो भी तीन ही हैं एक उनमें से तकाजा ये है कि आदमी कायम बिलकश होकर रहे यानी अगर किसी मौके पर सच्चाई की इंसाफ़ की गवाही देने का तकाज़ा किया जाए तो इसमें पीछे ना हटे सच्ची बात कह दे खा हाँ वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो उसमें किसी पर जदी क्यों ना पड़ रही हो उसके अपने मफादात ही को उससे नुकसान क्यों ना हो रहा हो अल्लाह का तकाजा यही है कि उसके लिए गवाही दी जाए और ये गवाही जो यहाँ देनी है ये तो असल में है ही खुदा की गवाही इसलिए कि ये तो दीन की सच्चाई की गवाही है तो फरमाया कि इसमें रिश्ता और पैबंद की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए उसके बाद इर्शाद हुआ कि याहीज़ीन आमनु आमिन बिल्ला ईमान वालो अल्लाह पर ईमान लाओ व रसूल और उसके रसूल पर ईमान लाओ यानी जाहिर है कि ईमान वालों अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो मतलब क्या है यानी ईमान का दावा करने वालों अल्लाह पर ईमान लाओ जिस तरह के ईमान लाने का हक़ है क्योंकि ये मुनाफ्त के ज़े असर हैं लोग तो फरमाया कि बज़ाहिर तो तुम ईमान लाए हुए हो ई ईमान का दावा किए हुए हो ईमान के मुद्दे बने हुए हो लेकिन ये ईमान नहीं है ईमान तो ये है कि जैसे ईमान लाने का हक़ है उस तरीके से ईमान लाया जाए तो अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और फरमाया बल किताबल नज्जल अला रसूल और उस किताब पर ही मान लाओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है वल किताबिलज़ी अनजल अमिन कबल और उस किताब पर भी जो वह इससे पहले नाजिल कर चुका है ज़ाहिर है कि इसमें जो किताब पहले नाजिल कर चुका है उससे मुराद तौरात है और क़ुरान मजीद ने यहाँ दोनों के लिए ज़रा फ़ेल में फ़र्क किया है तोरात से मालूम होता है कि वो अल्लाह ताली ने नाजिल की तो इस तरीके से नाजिल की जो पूरी की पूरी, कि पूरी किताब को पढ़ सुना दिया और कुरान मजीद बहराल एक तदरीज और एक अहतमाम के साथ नाजिल किया गया तेईस साल के अरसे में नाजिल हुआ इस फ़र्क को बाज़ करने के लिए थोड़ा सा अफाल में फ़र्क कर दिया है लेकिन ये बता दिया है कि ईमान लाना इस किताब पर भी ज़रूरी है और उस किताब पर भी ज़रूरी है वो भी अल्लाह की किताब है ये भी अल्लाह की किताब है और इरशाद हुआ कि व मैं यकफुरबिल्ला ही व मलायकते ही वतुब ही व रसुल ही वालम आखिर और जान रखो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और उसके हुजूर में पेशी के दिन के मुनकर हों फ़क़त दल्लाजलम बैदा वो बहुत दूर की गुबराही में जा पड़े हैं इन लजीना आमनुम कफ़रु स आमनुम कफ़रु सजदादु कुफरा रहे वो लोग जो कि ईमान लाए फिर कुफर किया फिर ईमान लाए फिर कुफ़र किया फिर इसी कुफर में बढ़ते चले गए ये गोया उनकी मुलाफ्कत की तस्वीर खींचती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईमान लाए ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने कुफर का ऐलान कर दिया बल्कि ये जो कैफियतें दिल में गुज़रती हैं उसको बयान किया है यानी बज़ाहिर माना मुसलमान हो गए लेकिन उसके बाद जब कोई मौका आया तो फिर कुफर में चले गए यानी आगे बढ़ कर ईमान का इकरार किया उसके बाद कुरान और पैगम्बर के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए तो यहाँ जो रवैया है उनका या जो उनके दिल में कैफियतें गुजरती हैं या जो वो साजिशें करते हैं उनको इससे ताबीर किया है कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान में मौजूद हो फिर उसके बाद तुम ईमान लाओ उनकी बैत करो उनके साथियों में शामिल हो जाओ और साजिशें करो अपने रिश्ता और पैबंद को उन पर तरजीह दो तो इसको इससे ताबीर किया है कि ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाए फिर कुफर किया फिर ईमान लाए फिर कुफर किया फिर इसी कुफर में बढ़ते चले गए यानी बजाय इसके कि ईमान महकम होता ये जब बार बार अपने आप को साजिशों के हवाले करते चले गए मुनाफिकीन से पींगे बढ़ाते चले गए अहले किताब से अपनी दोस्ती को तरजीह देते चले गए तो गोया ईमान के बाद कुफर फिर ईमान के बाद कुफ़र फिर ईमान के बाद कुफर में पढ़ते चले गए और इसी में बढ़ गए हैं तो फरमाया कि अब वो वक्त आ गया है कि लम यकन अल्लाह ने इनको बहुत मोहलत दे दी अब अल्लाह ना इनकी मफफ़रत करने वाला है ना इन्हें राह दिखाएगा वाल यह दिये हम सबीला बशरमनाफिकी बन अज़ाबलीमा इन मुनाफिकों को खुशखबरी दो है पैगम्बर जो ईमान वालों को छोड़ कर मुनक्रीन को अपना दोस्त बनाए हुए अल्जी मोमिनीन इनको खुशखबरी दो कि इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है आयतगून द्ज्ज़ा ये उनके यहाँत चाहते हैं बनलतल जमिया हकीकत यह है कि इज़्ज़त तो तमाम तरल के लिए यानी ये गोया पर्दा उठा दिया है कि ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुनाफ्त इख्तियार की है मुनकरीन हक़ को अपना दोस्त बनाया है और जो चीज़ उसके अंदर कार फरमा है वो ये है कि अपनी इज़्ज़त अपना मुकाम अपनी हैसियत मांग खोना नहीं चाहते ईमान वालों के साथ ईमान के दावे में शर्क रहना चाहते हैं और फिर उसके बाद ये ख्याल कर रहे हैं कि अच्छा बीज की कोई राह निकला है तो हमारा उधर भी ताल्लुक कायम रहे इधर भी ताल्लुक कायम रहे ये बता दिया कि नहीं ईमान के साथ ये ज़रूरी है कि तुम कायम बिलकश होकर रहो सच्चाई की ही और सच्चाई की जो बात तुम पर वाजे हो गई है उसकी गवाही दो अल्लाह के लिए इस गवाही के बगैर अल्लाह क्या किसी का ईमान कबूल नहीं है तो ये बिल्कुल वाजे तरीके पर बता दिया इरशाद हुआ वक़्त नज़्ला फ़िल किताब अनयुम आया तिल्ल फ़र बेहाज़ो बेहा फ़ला तकुमाुम हजूफ़ी हदीसन गैर इन नुम मिसलुम इन जामुनाफिक अवलकाफ़रीनफ़ी जहन्न मज जमी इरशाद हुआ कि वो यानि अल्लाह इसी किताब में तुम पर यह हिदायत नाजिल कर चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि आयात इलाही का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है वहाँ उन मजाक उड़ाने वालों के साथ न बैठो जब तक वो किसी दूसरी बात में ना लग जाए वरना तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओ तो ये इनको बताया कि बार बार इस किताब में तुमको हिदायत दी गई है कि तुम्हारी इनसे दोस्तियाँ सही तालुकात सही मफादात का इश्तराक सही लेकिन ये तुम्हारे पास बैठ कर अल्लाह तला की आयात का मजाक उड़ाते हैं तो ये तो कोई ईमान की अहमियत ना हुई और उसका तकाजा ना हुआ कि तुम भी वहाँ बैठ के इतमीन के साथ मजाक में शरीक रहते हो ये क्या ईमान है और ये क्या दीन है और ये क्या अल्लाह से ताल्लुक़ है और ये क्या पैगंबर की इत व इतबा है इसके बानी तो ये है कि जो कजबैसियाँ वो करते हैं उनमें तुम भी शरीक हो गए तुम्हें कहा गया था कि जब ये कुजबैसियाँ कर रहे हो तो इन ालमों के पास ना बैठो और उस वक्त तक ना बैठो जब तक ये किसी और बात में न लग जाए जिन मजलसों में अल्लाह के दीन का उसकी शरीयत का तहत्तुक हो रहा हो और आदमी वहाँ बैठा रहे तो ये बेहमीती भी और बेग़ैरती भी इस तरीके की अगर सूरत हाल पैदा हुए जैसी वहाँ पेले किताब ने पैदा कर रखी थी और फिर यही नहीं ये समझे कि इन मजलसों में शरीक होना मेरे लिएशरफ़ का बायस है तो ये तो मसलूब लाईमान होने की दलील है तो इस किस्म के मुनाफिकों के बारे में फ़रमाया कि इनका हशर फिर उन्हीं के साथ होगा जो खुदा के दिन का मजाक उड़ा रहे हैं ये वो सूरत हाल थी जो मदीने में पैदा हो गई थी क्योंकि ये लोग बाहर तो ईमान ले आए थे लेकिन चूँकि रिश्ता और पैबंद था तल्लुक थे रवाबित थे तो उन मजलसों में बैठते और अपनी जगह वहाँ पर भी कायम रखना चाहते थे ये चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब काबिल कबूल नहीं है तुम्हें ये बात साफ साफ इस किताब में बता दी गई है चनाच सूरा नाम में बहुत मजाक से ये बताया गया है कि जहाँ तुम ये देखो कि यले किताब बैठे हुए हैं ये मुश्किन बैठे हुए हैं अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर ये जब तक किसी दूसरी बात में ना लग जाए कम से कम वहाँ बैठो तो नहीं अगर बहस करना मौजू नहीं है जवाब देना मौजू नहीं है तो उठ तो आओ ये तो कोई बात ना हुई कि तुम्हारे सामने अल्लाह ताला के साथ ये मामला हो रहा हो अल्लाह के पैगंबर के साथ ये मामला हो रहा हो अल्लाह की आयत के साथ ये और तुम इत्मीनान के साथ बैठे रहो तो फरमाया कि अब अल्लाह का फैसला सुन लो अल्लाह का फैसला ये है कि जो लोग इसके बावजूद इसी तरीके से बैठे रहेंगे इन नज़म मिसलो हम फिर वो उन्हीं की तरह हो जाएंगे इन अह काफिरी नवलकाफ़रीनफी जहन्नम जमिया अल्लाह का फ़ैसला है कि वो इस तरह के मुनाफिकों और मुनकरों को जहन्नम में एक ही जगह जमा कर देगा अल्लीन यबसून बुम फ़ैन कानकुम फ़त मिनल्ला कालू अलम नकुम माकुम किन को जमा कर देगा फरमाया इनको जो तुम्हारे लिए गर्दशों के मंतजर हैं यानी तुम तो उनके साथ दोस्तियाँ और तल्लुक कायम कर रहे हो और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि आसमान की फलक तुम्हें बर्बाद कर दे तुम्हारे लिए गर्दशों के मंतजर हैं चुनाच अल्लाह की तरफ से तुम्हारी कोई फतह होती है तो कहते हैं अलम नकुम माकुम कलू अलम नकुम माकुम क्या हम तुम्हारे साथ न थे व इन कानकाफरी नसीब और अगर तुम्हारे मुनकरों की किसी वक्त जीत हो जाए कालूअलम नस्तविज़म नाकुमिन तो कहते हैं क्या हम तुम्हें घेरे में लिए हुए नहीं रहे और हमने मुसलमानों से तुमको बचाया नहीं है यानी अगर इधर कोई मामला हो तो कहते हैं कि देखो हम भी तो मुसलमान हैं तुम्हारे साथ हैं और अगर मुनकरों की जीत हो जाए तो उनको जाके ये कहते हैं कि ये तो सब कुछ हम ही ने किए रखा है असल में हम मुसलमानों को रोके हुए थे और हम ही इसका बायस बने हैं और मुसलमानों से ही ने तुम्हें बचाने की कोशिश की है तो फ़रमाया फ़ल्लाकुम बिनकुम योमल क़्यामा तो तुम्हारे दरमियान अब अल्लाह ही क्यामत के दिन फ़ैसला करेगा वल यजल्लाकाफ़री ना अल्मोमिनी ना सबीला और अल्लाह का फ़ैसला है कि वह इन मुनकरों को ईमान वालों के ख़िलाफ़ हरगज़ कोई राह ना देगा यानी उस दिन तुम्हारे मुकाबिल में इनकी कोई पेश नहीं जाएगी और जिस तरह ये लोग यहाँ कहते हैं कि़ नकुम माकुम क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे ये वहाँ कहने की जसारत नहीं कर सकेंगे वहाँ इसका तस्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि अपने आप को मुसलमानों का साथी बनाए क्योंकि वहाँ तो हक़ खुल जाएंगे और जो कुछ अंदर है वो बाहर आ जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया और क्या रवैया इख्तियार किया कियामनाफिका दुन व व खाद हम ये मुनाफिक खुदा से धोखा करना चाहते हैं दरा हाले के उसी ने इन्हें धोखे में डाल रखा है वैज़ा कामू अल्सलात कामू कुसाला तो मैंने देखते हो ये जब नमाज़ के लिए उठते हैं तो जी हारे हुए महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैंस वलायस कुरून अल्लाह इल्ला कलीला ये खुदा को कम ही याद करते हैं मजब्ज़बीन बैना जालिक दरमियानी में लटक रहे हैं ला इलाहा उलाए वला उलाए ना इधर हैं ना उधर हैं व मई युजिल्ला फलम तज़ लू सबीला इनके जराय की पादाश में अल्लाह ने इन्हें गुमराही में डाल दिया है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते मतलब यह है कि ना मुसलमानों के साथ हैं ना उन मुनकरों के साथ हैं जिनकी वकालत कर रहे हैं मुसलमानों के पास होते हैं तो उन्हें इत्मीनान दिलाते हैं कि उनके साथ है मुनकरों से मिलते हैं तो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके साथ हैं हालांकि दिल से किसी के साथ भी नहीं है और कुरान मजीद ने जो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कुसाला यऊन मजबजबीन तो गोया पूरा उनकी हालत का नक्शा खींच दिया है यानी वो नक्शा ये बनता है ये मुनाफिकीन सिर्फ़ अल्लाह के बंदों ही को धोखा नहीं रहे दे रहे बल्कि खुदा को भी धोखा देना चाहते हैं हालांकि जो खुदा को दे धोखा देना चाहता है वो खुदा को धोखा नहीं देता वो अपने आप को धोखा देता है इसलिए कि खुदा उसकी रस्सी दराज़ कर देता है वो समझता है कि उसने खुदा को धोखा दिया हालांकि धोखा उसने खुदा से खुद खाया है और ये जो कहा कि जब नमाज़ के लिए आते हैं तो मालूम होता है कि मारे बांधे आ रहे हैं तो ये धोखाबाजी की मिसाल दे दी यानी नमाज के लिए उठते हैं तो तबीयत पर जबर करके उठते हैं मारे बांधे महज इस डर से उठते हैं कि अगर शरीकें जमात ना हुए तो मुसलमानों के रजिस्टर से नाम ही खारिज हो जाएगा ये महज़ दिखावे की नमाज़ होती है कि मुसलमान इनको अपने अंदर शामिल समझें इस वजह से इसमें अल्लाह का उतना ही जिक्र होता है जितना मजबूरी और दिखावे की नमाज़ में हो सकता है जाहिर है कि ये सरी धोखा है जो अल्लाह के साथ किया जा रहा है तो फरमाया कि अल्लाह के रांधे हुए हैं इस वजह से इनको भटकने के लिए छोड़ो और जिनको खुदा भटकने के लिए छोड़ दे अब उनको कोई राह पर नहीं ला सकता ये तबसरा किया है इनके ऊपर कि ये इनकी सूरत हाल है अल्लाह ताला के मामले में ये रवैया इन्होंने इख्तियार किया पैगंबर के बारे में ये रवैया इख्तियार किया अब उसके बाद जो इनकी शख्सियत बन गई है और तस्वीर बन गई है वो ये है कि चूँकि उस वक्त तो किसी मुसलमान के लिए इसका कोई तस्वुर नहीं था कि नमाज होगी और वो नहीं आएगा तो आना तो पड़ता है लेकिन मालूम होता है कि मारे बाँधे आ रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए आ रहे हैं और बस अल्लाह ताली को जितना थोड़ा बहुत याद किया बाहिर दिखाने के लिए वो करके भागने की कोशिश करते हैं सूरत हाल ये है कि ना इधर खड़े रह गए हैं ना उधर खड़े रह गए तो मुनाफिक की जो तस्वीर है वो इसके अंदर खींच दी है और फ़रमाया है कि ये इंसान के ऊपर बड़ा हादसा गुजर जाता है कि जब वो जराइम करता है तो फिर अल्लाह ताली उसको जराइम के हवाले कर देता है और जब आदमी पैदल पै, पै जरा करता है तो फिर अल्लाह की तौफीक से भी महरूम हो जाता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई दूसरा क्या रास्ता दिखा सकता है याई वजीना आ मनु ला तक नाउलिया मंदून ईमान वालों इनकी बातों में आकर तुम मुसलमानों को छोड़कर पैगंबर के मुनकरों को अपना दोस्त न बनाओ आतरीदून तजलूल्लाकुम सुल्तान मुबीना क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सीरी हुज्जत दे दो यानी अगर ये तरीका इख्तियार करोगे तो ये इतनी वाज बात हो जाएगी कि फिर अल्लाह ने अगर आदाब का फ़ैसला किया तो तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं होगा अल्लाह के हजूर में पेश करने के लिए और ना अल्लाह ताली के ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा कि उसने कोई ज़्यादती की तुम अगर ये रवैया इख्तियार करते हो तो ये अल्लाह को अपने ख़िलाफ़ सरी हजत देने के मुतारद है फिर तोज्जो दिलाई इस बात के ऊपर कि इन मुनाफिकी फिर दर के लसफल मिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुनाफिक दोजक़ के सबसे नीचे तबके में होंगे वलन तज़ल नसीरा और तुम इनके लिए कोई मददगार ना पाओगे अल्जीन ताबू हाँ, जो हमारी इस तंबीह के बाद तौबा करेंगे और अपने तर्ज अमल की असलाह करेंगे व तसमु बिल्ला और अल्लाह को मजबूत पकड़ेंगे व अखलसुदीन दीनहुम डिल्ल और अपनी इतात को अल्लाह के लिए खालिस कर लेंगे फरमाया फाउलाए का माल मोमिनीन वो क़यामत में मोमिनों के साथ होंगे वसोफ़ मोमिनीन आजर नज़ीमा और अल्लाह मोमिनों को करीब अजर अजीमता फ़रमाएगा मा या फल्ला बजाबुम इन शकर बा तुम बाम तुम खुदा के बंदो अगर तुम शिक्र गगुजारी अख्तियार करो और सच्चे मोमिन बन कर रहो तो अल्लाह को क्या पढ़िए कि तुम बेज़ दो यानी अल्लाह को इससे क्या दिलचस्पी वो अजाब तो नहीं देना चाहता व कान शाकिर शाकरमा अल्लाह तो बड़ा तोबा कबूल करने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है मतलब यह है कि सही रवैया इख्तियार करोगे तो अल्लाह उसकी कदर करेगा तुम्हारी तो बढ़ कर उसका सिला देगा वो हर शख्स के ईमान और अमल से वाकिफ़ है लिहाजा तुम्हारा ये रवैया भी उससे छुपा नहीं रहेगा तो ये बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से कि अल्लाह किसी को अजा नहीं देना चाहता वो तुम शुक्रगुजारी का तकादा करता है और ये तकाजा करता है कि सच्चे मोमिन बनकर रहो इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है ला मिनल कौल इल्ला मन अंजुल ईमान वालों ये मुनाफिक तुम पर ज़्यादती करें और तुम उसका जवाब देना चाहो तो दे सकते हो इसलिए कि अल्लाह मज़लूम के सिवा किसी की किसी का बुरी बात कहना पसंद नहीं करता और फरमाया वकान अलीमा और अल्लाह अमयलीम है यानी मतलब यह है कि जो कुछ कहोगे या करोगे उसके बारे में मतलब रहो इसलिए कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है लेकिन अल्लाह ने मज़लूम को सिर्फ ये हक दे रखा हुआ है कि अगर उसके साथ ज़्यादती हो तो वो जवाब में कुछ कह सकता है अगर वो ालिम को बुरा भला कहता है तो अल्लाह इस पर मुआवजा नहीं करता अगर ये ज़्यादती करते हैं तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं और तुम जवाब देना चाहो तो दे सकते हो लेकिन अल्लाह को पसंद क्या है फरमाया कि इन तब्दु ख़रान और तखफो होताफ़ुअसु यानी पीछे यह फरमाया ना कि ये मुनाफिक अगर ज़्यादती करना चाहे और तुम पर ज़्यादती करें और तुम उसका जवाब देना चाहो तो दे सकते हो और उस पर भी ये कहा था कि अल्लाह मज़लूम के सिवा किसी का बुरी बात कहना पसंद नहीं करता और अल्लाह समय अलीम है लेकिन अब यह कहा कि इसके बजाय अगर ज़ाहिर व बातिन में नी किए जाओगे इन तब्दु खरन और तखफ़ु हो और फरमाया व ताफुअसू या कम से कम बुराई से दरगुजर करोगे फरमाया तो यही बेहतर है यानी अगर जवाब देना चाहो तो दे सकते हो अल्लाह ने इजाज़त दे रखी हुई है मज़लूम का जवाब देना और मजलूम का बुरी बात कह देना किसी दूसरे को इसलिए कि जुल्म हुआ है उसके ऊपर और जवाब में उसने कोई बुरा भला कह दिया है तो अल्लाह ने इसकी इजाज़त दे रखी है अल्लाह इसे नापसंद नहीं करता लेकिन अल्लाह को पसंद ये है कि ज़ाहिर व बातन में निकी किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो ये बेहतर है और फ़रमाया फ़ाल्ला काना अफूवन कदीरा इसलिए कि अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो माफ़ करने वाला है इसके बावजूद कि बड़ी कुदरत रखने वाला है यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है जब चाहे मज़लूम की गर्दन दबा दे लेकिन इसके बावजूद माफ़ करता है तो वो तुम से भी ये तकादा करता है कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करो इन लदीन याकफ़रू नबिल्ला व रसल ये हकीकत अलबत्ता वाजे रहनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के मुनकर हो रहे हैं वह यीदून आएँ जो फर्रकुब बीन अल्ला व रसूल और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरम्यान तफरीक करें और वक़ूलू नौमिनों में इन व नफ़रों में बाज़ और कहते हैं कि किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे वह यदून आएँ ये तखज़ु बीना ज़ाले का सभीला और चाहते हैं कि ईमान और कुफर के बीच में कोई राह निकाल लें उलाए का हमुल काफ़िरून हक्का वो जितने चाहे ईमान के दावे करें वो पक्के मुनकर हैं व आतदन काफ़रीना आज़ाब महीना और हमने इन मुनकरों के लिए रस्वा कर देने वाला आज़ाब तैयार कर रखा है वल्लीना आमनु बिल्ला व रसुल इसके बरखिलाफ़ जो अल्लाह और उसके रसूलों को मान रहे हैं वलम जफ़र्र कोक बैन हद मिनहम और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई तफरीकों ने कभी नहीं की उलाए का सौफ़ यूती हम वजूर हम उनको अल्लाह ज़रूर उनका अजरत आ फ़रमाएगा वक्ान अल्ला रहीमा और अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत अबधी है इस पर सवाल का जवाब ख़त्म हो गया है गोया जो बात वाजे की है वो ये बात वाजे की है कि तुम्हें यकसुई से हक़ को इख्तियार करना है ये बात नहीं हो सकती कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरम्यान तफरीक की जाए मानना है तो पूरे हक़ को मानना है इनकार करना है तो पूरे का इनकार करो लेकिन ईमान रखते हो तो फिर सच्चाई की और हिदायत की बात तुम्हारे ऊपर वाज हो गई है उसकी गवाही देने वाले बनो कोई चीज़ उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए इन मुनकरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है इन्होंने अपना पैमाना भर लिया मुनाफिकीन भी इनके साथ चले गए और ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला इस तफरीक को कबूल कर लें कि आधी सच्चाई में मान लेता हूँ आधी का मैं इनकार करता हूँ मानना है तो पूरी सच्चाई को मानो अल्लाह और उसको रसूलों के दरमियान तफरीक करके ये नहीं कहा जा सकता कि इसको मानेंगे और उसको नहीं मानेंगे ईमान का कलमा यही है कि हम अल्लाह के पैगंबरों के माबेन कोई तफरीक नहीं करते जितना हक आया उस सारे को मानते हैं सारी सच्चाई की गवाही देते हैं और यही बात है कि जिसके ऊपर ईमान की इस्लाम की दावत मौजूद है और इशाद फरमाया कि वो लोग जो इस जगह पर खड़े होंगे कोई तफरीक़ नहीं करेंगे अल्लाह उन्हें अजरता फरमाएगा व कान अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत अबी है अब इन आयात का तर्जुमा सुन लीजिए ये खुदा के अहकाम है नहीं मानोगे तो अपना ही बुरा करोगे इसलिए कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई उन्हें भी हमने यही हिदायत की थी और तुम्हें भी यही हिदायत कर रहे हैं कि अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि नहीं मानोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे इसलिए कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह बेन आज़ है सतुदा सिपात है एक मरतबा फिर सुनो कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है इसलिए वही सजावार है कि ज़िंदगी के मामला उसके हवाले किए जाएँ तुम्हारी नाफ़रमानी की सूरत में वो अगर चाहे तो तुम सबको फना कर दे और दूसरों को तुम्हारी जगह ले आए अल्लाह इस चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है अपने मफादात की खातिर तुम अल्लाह की शरीयत से फ़रार अख्तियार करते हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया का सिला चाहता है तो दुनिया का सिला भी अल्लाह के पास है और जो दुनिया और आखिरत दोनों का सिला चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का सिला भी है और आखरत का सिला भी और अल्लाह समी व बसीर है ईमान वालों इंसाफ़ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारी ज़ात तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे मंदों के ख़िलाफ़ ही पड़े अमीर हो या गरीब अल्लाह ही दोनों के लिए ज़्यादा हकदार है इसलिए खुदा की हिदायत को छोड़ कर तुम ख्वाहिशों की पैरवी न करो कि इसके नतीजे में हक़ से हट जाओ और याद रखो कि अगर हक को इंसाफ़ की बात को बिगाड़ने या उससे पहलू बचाने की कोशिश करोगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है ईमान वालों अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल किया और उस किताब पर भी जो वो इससे पहले नाजिल कर चुका है और जान रखो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और उसके हुजूर में पेशी के दिन के मुनकर हों वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़े हैं रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफर किया फिर ईमान लाए फिर कुफर किया फिर इसी कुफर में बढ़ते चले गए तो अल्लाह ना उनकी मकफ़रत करने वाला है और ना उन्हें कभी राह दिखाएगा इन मुनाफिकों को खुशखबरी दो है पैगम्बर जो ईमान वालों को छोड़ कर तुम्हारे मुनकरीन को अपना दोस्त बनाए हुए हैं कि इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है ये उनके यहाँ इज्जत चाहते हैं हकीकत यह है कि इज़्ज़त तो तमाम तर अल्लाह ही के पास है वो इसी किताब में तुम पर यह हिदायत नाजिल कर चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि आयात अलाही का इनकार किया जा रहा है और उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है वहाँ उन मज़ाक उड़ाने वालों के साथ ना बैठो जब तक वो किसी दूसरी बात में न लग जाएं, वरना तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे अल्लाह का फ़ैसला है कि वो इस तरह के मुनाफिकों और मुनकरों को जहन्नम में एक ही जगह जमा कर देगा इनको जो तुम्हारे लिए गर्दशों के मुंतज़िर हैं चुनाचे अल्लाह की तरफ से तुम्हारी कोई फतह होती है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे और अगर तुम्हारे मुनकरों की जीत हो जाए तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हें घेरे में लिए हुए नहीं रहे और हमने मुसलमानों से तुमको बचाया नहीं है सो तो तुम्हारे दरमियान अब अल्लाह ही के आमद के दिन फैसला करेगा और अल्लाह का फ़ैसला है कि वो इन मुनकरों को ईमान वालों के खिलाफ हरगिज़ कोई राह न देगा ये मुनाफिक खुदा से धोखा करना चाहते हैं दरा हाले कि उसी ने इन्हें धोखे में डाल रखा है तुम तो इन्हें देखते हुए जब नमाज़ के लिए उठते हैं तो जी हारे हुए महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं ये खुदा को कम ही याद करते हैं दरमिया में लटक रहे हैं ना इधर हैं ना उधर हैं इनके जराइम की पादाश में अल्लाह ने इन्हें घुबरा ही में डाल दिया है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते ईमान वालों इनकी बातों में आकर तुम मुसलमानों को छोड़कर पैगंबर के मुनकरों को अपना दोस्त न बनाओ क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हजत दे दो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुनाफिक दो के सबसे नीचे तबके में होंगे और तुम इनके लिए कोई मददगार ना पाओगे हाँ जो तौबा करेंगे और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेंगे और अल्लाह को मजबूत पकड़ेंगे और अपनी इताद को अल्लाह के लिए खालिस कर लेंगे वो मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को करक्रीब अजर अजीम मता फ़रमाएगा खुदा के बंदो अगर तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो और सच्चे मोमिन बनकर रहो तो अल्लाह को क्या पढ़ी है कि तुम्हें अज़ाब दे अल्लाह तो बड़ा कबूल करने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है ईमान वालों ये मुनाफिक तुम पर ज़्यादती करें और तुम जवाब देना चाहो तो दे सकते हो इसलिए कि अल्लाह मजलूम के सिवा किसी का बुरी बात कहना पसंद नहीं करता और अल्लाह सलिम है लेकिन इसके बजाय अगर ज़ाहिर व बातन में नेकी किए जाओगे या कम से कम बुराई से दरगुजर करोगे तो यही बेहतर है इसलिए कि अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो माफ़ करने वाला है इसके बावजूद कि बड़ी कुदरत रखने वाला है ये हकीकत अलबत् वाज़ रहनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के मुनकर हो रहे हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे और चाहते हैं कि ईमान और कुफर के बीच में कोई राह निकाले वो पक्के मुनकर हैं और हमने इन मुनकरों के लिए रस्वा कर देने वाला आज़ाब तैयार कर रखा है इसके बरखिलाफ़ जो अल्लाह और उसके रसूलों को मान रहे हैं और उनमें से किसी के दरम्या उन्होंने कोई तफरीक नहीं की है उनको अल्लाह ज़रूर उनका हजरत आ फरमाएगा और अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शक्त बदी है अकूल व कौली हाजाफ़िर